तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। तो ग्रामीण जो है जन सुनवाई पे आए हैं अपनी शिकायत लेकर, और सैकड़ों की संख्या में ये ग्रामीण आए हैं। क्या शिकायत है इनसे जानते हैं, किस विषय को लेकर आए हैं? सर रोड की समस्या लेके आए हैं सर। सर रोड के तो रिकॉर्ड में यहाँ बन चुके हैं सर, जहाँ भी पता किए कि रोड रिकॉर्ड में बन चुके हैं, बट हमारे गाँव तक नहीं गई है सर। रोड को जहाँ डामरीकरण होना था वहाँ नहीं हुई सर। आज से 7 साल पहले वो ग्रेवल हुई है, बट डामरीकरण का जब चांस आया तो हमारे गांव तक नहीं गई सर, वो कहीं और मोड़ लिया गया है। अब इसमें हमने इसकी शिकायत सर 181 में की, बट कोई उसका सुनापत नहीं सर, कोई निरीक्षण में नहीं आया, सिर्फ फ़ोन पे बस कॉल आ रहा है। फ़ोन आया था, हाँ एलएन अधिकारी का कॉल आया था सर, एलएन अधिकारी का फ़ोन आया था सर 181 से, उन्होंने निरीक्षण नहीं किया, फ़ोन से बात किया और निरीक्षण कम्प्लीट कर दिया गया, और उसके जानकारी के लिए आज तक हमसे कोई मिलने के लिए नहीं आया। रोड की बहुत बड़ी समस्या है। तो रोड की जो बड़ी समस्या है, ये शिकायत को लेकर जो है ग्रामीण पहुँचे हैं जन सुनवाई पे, किस तरीके से दिक्कत होती है सड़क पे? दिक्कत होती है, बहुत समस्या आती है, पत्थर चीखल और गड्ढा, चल नहीं पाते हैं, साइकिल भी चलते हैं वो भी चल नहीं पाते हैं। आज जन सुनवाई भी आई थी, आप क्या आश्वासन दिया कलेक्टर महोदय से? अभी मुलाकात नहीं हुई है कलेक्टर महोदय से, अभी जब जाएंगे अब हम कलेक्टर महोदय से आश्वासन लेके आए हैं कि वो जल्द से जल्द वहाँ रोड के बारे में निरीक्षण करवाए रहे हैं, रोड की जानकारी दे, रोड बनवाने की कृपा करें। कागज पे रोड बन गई है ऐसा कहना है, कहाँ तक सही है ये हकीकत है सर? कागज पे रोड बन चुकी है, हमने कई लोगों से मुंह से कई लोग बताए भी हैं कि आपके रोड रिकॉर्ड पे बन चुकी है, बट अभी तक डामरीकरण क्यों नहीं हुआ है? सिर्फ हम यही जानना चाह रहे हैं कि हमारा क्या वजह है ग्रामवासियों के जो कि रोड नहीं बना। अगर सड़क है फिर भी नहीं बनी तो क्या करेंगे आप ग्रामवासी? हम ग्रामवासी सर चक्का जाम कर देंगे भोंगदोर चौरा, अभी रोड नहीं बना तो चक्का जाम कर देंगे, फिर उसका फैसला गवर्नमेंट करेगा क्या है क्या नहीं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.revaindia.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।